नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्विटर अभियान चालू किया गया है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके, जहाँ पे अभी तक 2.13 मिलियन ट्वीट हो चुका है और ये पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में नंबर 2 पे अभी ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम जल्दी हो तो आप लोग को भी इसमें सपोर्ट करना होगा, ट्वीट करना होगा और रीट्वीट बार बार करना होगा ताकि गवर्नमेंट तक बातें जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को पंचवर्षीय योजना बना दिया है। जब इलेक्शन होगा तभी हम फॉर्म निकालेंगे, तभी हम एग्जाम को क्लियर करेंगे ताकि जनता को पता चले कि हमने वैकेंसी दिया। और ये गवर्नमेंट सेक्टर का हालत इस गवर्नमेंट ने पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, लगभग 3 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं और अभी तक एग्जाम नहीं लिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। इसको बिल्कुल चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। जब चुनाव होगा तभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाखों बच्चे, 2.13 मिलियन बच्चे इस ट्विटर कैंपेन में भाग ले रहे हैं। हैशटैग ये देख सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कॉपी कीजिएगा और ट्वीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसी हैशटैग को आपको यूज करना है, हैशटैग रेलवे अंडरस्कोर ग्रुप डी अंडरस्कोर एग्जाम डेट। इसको आप लोग ट्वीट करना है, रीट्वीट बार बार करना है, जब तक गवर्नमेंट के, जब तक ये नंबर 1 पे ना आ जाए, ट्रेंड में नंबर 1 पे ना आ जाए, गवर्नमेंट के कान तक हमारी बात ना जाए। क्योंकि गवर्नमेंट अपना फायदा केवल सोच रही है। अभी लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं और अभी तक एग्जाम नहीं करवा रही है। केवल ये जो गवर्नमेंट है बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, बिजनेसमैन तो आगे जाते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो पिछते जा रहे हैं, उनका विकास हो ही नहीं रहा है। तो एग्जाम होना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 3 साल से आपने देश को डिजिटल बना दिया, बट जो हमारा एग्जाम है वो 3 साल से अटका हुआ है केवल आपके फायदे के लिए। आप पे जब कोविड आता है तो जो IIT का एग्जाम होता है, JEE का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, उस समय कोविड खत्म हो जाता है। जब आपका फायदा होता है तो कोविड खत्म हो जाता है। जब यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ एग्जाम धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और उन्हें वोट चाहिए, तो एग्जाम जो भी काम है वो तेजी से हो जाएगा। बट रेलवे का जहाँ एग्जाम का बात आएगा वहाँ कोविड भी आ जाता है, सब चीज आ जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या बना के रखा हुआ है कि ये एक लालच दिया जाएगा, 5 साल में एक बार लालच दिया जाएगा और इस वैकेंसी को 5 साल तक खींचा जाएगा। जब तक इलेक्शन का समय नहीं आता है तब तक खींचा जाएगा, और जैसे इलेक्शन आने में 6 महीने का समय होगा तो धीरे धीरे करके वैकेंसी निकाला जाएगा, धीरे धीरे करके लालच निकाला जाएगा। जैसे इलेक्शन का डेट नजदीक आ जाएगा तो एकाएक लार्ज वैकेंसी निकाल दिया जाएगा ताकि इन्हें इलेक्शन में वोट मिल सके। तो इसे अपना वोट बैंक बना के ये यूज करते हैं रेलवे के वैकेंसी को, और हर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर सभी को ये बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे अगर चलेगा तो देश का विकास कैसे होगा? अगर छात्रों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? केवल अपने फायदे के बारे में ये गवर्नमेंट सोचती है। तो आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर आप लोग को एक कैंपेन चलाना होगा। यहाँ देख सकते हैं, जब तक मैंने बात किया तब तक यहाँ देख सकते हैं 2.17 मिलियन तक ट्वीट हो चुका है, तो इसे नंबर 1 पे ले जाना है और गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी होगी। गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम भी किया है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा सॉल्व किया, राम मंदिर वाला मुद्दा सॉल्व किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, काफी अच्छा काम किया। बट छात्रों की भी बात सुनना होगा उनको, और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 3 साल से जो वेट कर रहा है इसको चुनावी मुद्दा आप नहीं बनाइए। आप जो अच्छे काम करते हैं उससे भी आप क्या करते हैं, इससे चुनावी मुद्दा के कारण उसे भी खराब कर देते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होना चाहिए और बच्चों को कुछ फायदा होना चाहिए। और बच्चों ने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया, आपकी सरकार को लेके आया, तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एग्जाम एक छोटा सा एग्जाम है जिसे आप चाहे तो कभी भी करवा सकते हैं। सिर्फ एग्जाम डेट आप बता दीजिए कि किस मंथ में आप एग्जाम लेंगे, और जो भी जानकारी हो वो आप प्रोवाइड करवाइए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे और ट्विटर कैंपेन में आप भाग लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, एक ट्विटर पे अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके ट्विटर को टाइप करना है और वहाँ पे क्या करना है कि इस हैशटैग को कॉपी कर लीजिएगा जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग कर रहा है, ये अब ये ट्रेंडिंग में आ चुका है शायद, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे अभी नंबर 2 पे ही दिखा रहा है, बट ये बहुत जल्द ट्रेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी वाला जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द ट्रेंडिंग में आ जाएगा। तो
तो यहाँ पे आप पे सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिएगा इस कैंपेन में भाग लेने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए और इसे चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा है, अगले अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू।